कराची में बारिशों का दूसरा धुआंधार स्पेल जारी, गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, गटर उबल पड़े, शहर की बेशतर सड़कें तालाब बन गई, निकासी का इंतजाम ना हो सका, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जान बहक। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर के बेशतर इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में शाम तक हल्की और तेज बारिश वक्फे से जारी रहेगी, कल सुबह एक स्पेल आ सकता है, महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची में तेज बारिशें, कोरंगी कॉजवे मलीर नदी में फंसने वाले 8 मोटरसाइकिल सवारों को रेस्क्यू कर लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक फौज और रेंजर्स भी ग्राउंड पर उतर आई। हैदराबाद में बारिश के बाद कई मकामात पर बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी, हाली रोड पर करंट लगने से एक शख्स जान बहक, मीरपुर खास में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया, टनवाला यार में मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन जान बहक, छठा में बारिश का पानी खड़ा होने से कारोबारी मराकज बंद, हब के नदी नालों में तुगयानी आ गई, गजानी का दूसरे शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। राणा सनाउल्ला के खिलाफ मनशियात केस में पेशरफ्त, फैसलाबाद में लीगी रहनुमा के असासे मुंजमद करने के लिए वजारत इंसदाद मनशियात का ज़िलाई इंतजामिया को मरासिला जारी, जायदादों की खरीदो फरोख्त और मुंतकली हरगिज ना हो पाए, खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और जुर्माना हो सकता है, वजारत इंसदाद मनशियात ने खबरदार कर दिया। क्रिकेटर शर्जील खान पर 2.5 साल की पाबंदी खत्म, पीसीबी के बहाली प्रोग्राम के मुताबिक एतराफ जुर्म करना होगा जिसके बाद बैनुल अक्वामी क्रिकेट में शिरकत का मौका मिलेगा। PSL 2 के आगाज में शर्जील खान फिक्सिंग का शिकार हुए थे। और ईद कुर्बा से एक रोज पहले व्यापारियों और खरीदारों में फाइनल राउंड जारी, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया, टोके और छुरियों की खरीदो फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई, कोई नए आलात खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों को तेज करवा रहा है।